quality is my problem. Type of beer, normally, until now, they have given me all the possibility about that. So, of course, we are in India, so like we'll have like the beer, little bit place for the style of the palette of the flavor that the customers are looking for in India. मैं उनके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट लाया हूँ जो उनको दे दिया है मैंने. वो उसको खोलेंगे तो उसमें उनको बहुत सारी छोटी छोटी 29 चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि वो 29 के हो रहे हैं आज. तो आई होप ही लाइक्स इट. पसंद नहीं है कि मैं एक साथ 100 लोगों को बुलाऊं. इनफैक्ट क्योंकि हम जब इतने लोगों को बुलाते हैं तो सबको अटेंड नहीं कर पाते. सो आई ऑलवेज लाइक टू कॉल स्मॉल नंबर ऑफ पीपल जो मुझसे बहुत ही क्लोज हैं, और मैं उन सबको पर्सनल अटेंशन देकर अपने बर्थडे पे उनके साथ सेलिब्रेट करता हूँ. आज हम लोगों ने लास्ट टाइम क्या था, हम लोगों ने सुपरमैन, वी हैड सुपर हीरोज एज अ थीम. So we decided something exciting will happen. This time we thought it should be red carpet or Harry Potter, because everyone has a child inside them. For me to celebrate my birthday till now in the way that I do usually, तो मज़ा आना चाहिए. तो इसलिए हम लोगों ने काफ़ी सोचा, और हमने सोचा जिनके पास हैरी पॉटर की कॉस्ट्यूम नहीं मिल सकती, दे कैन डू मिक्स एंड मैच इन, दे कैन डू अ रेड कार्पेट थीम. एंड आई थिंक दैट्स व्हाट्स वेरी एक्साइटिंग राइट नाउ. ऑल बीन रेस्ड इन दिस इंडस्ट्री, कोई कैमरे के पीछे से स्टार्ट किया है, किसी ने कैमरे के आगे से स्टार्ट किया है. तो एक फैमिली है यहाँ बॉम्बे में हमारी, तो हम कहीं भी किसी भी इवेंट में जाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि हम एक दूसरे के, वैसे तो जनरली नहीं क्योंकि इतनी फास्ट लाइफ है, 12 घंटे की शिफ्ट होती है, फिर टाइम नहीं मिल पाता है. तो आई थिंक ये ऐसे मौके हो जाते हैं जहाँ पर हम हर कोई कहीं पर भी हो आने की कोशिश करता है, बिकॉज ये वो टाइम है जहाँ वी वुड वांट टू जस्ट लाफ, जस्ट हैव अ ग्रेट टाइम. आई सेड वी गो लॉन्ग बैक एंड आई रियली विश हिम अ वेरी हैप्पी बर्थडे एंड मे ही गेट ऑल द पॉसिबल थिंग्स ही वांट्स इन लाइफ. एंड आई थिंक ही इज इन हिज 30s नाउ, हिज एंटर हिज 30s. सो आई रियली विश हिम दैट 30s, दिस डेकेड बिकम्स द सुपर सक्सेसफुल ईयर फॉर हिम एंड ऑल द बेस्ट विशेस फॉर हिम. वो फिर भी डाउन टू अर्थ है और सबसे वैसे ही घुलते मिलते जैसे वो पहले होते थे. सो आई थिंक ही इज़ वेरी फन लविंग एंड ही इज़ वेरी क्यूट. तो हम सिर्फ बहुत इन्जॉय करने वाले हैं, और तैयारी तो मैंने खास मतलब कल अचानक से सरप्राइज हुआ कि ओके यू नो पार्टी होने वाली है, तो जल्दी जल्दी में हमने कहीं से ड्रेस पिकअप कर ली और बस आ गए. सच्चा और बनाते हैं, सच्चा आदमी है और सच्चा हो जाए, दुआएं देता हूँ उसको मैं. और आपने जैसे कहा मेरे ओपिनियन को तवज्जो दिया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, लोग जाग रहे हैं. पहले लोगों को ऐसा लगता था एजाज खान कुछ भी बोलता है पब्लिसिटी के लिए, ऐसा नहीं है. मैं हमेशा जब भी आवाज़ उठाया हूँ हक के लिए आवाज़ उठाया हूँ. अगर मैं हिंदू मुस्लिम में मानता तो मैं पाकिस्तान के लिए गाली का वीडियो नहीं बनाता. मेरे देश के मेरे जो भाई है जो सनातन हिंदू धर्म के लोग हैं वो मुझे प्यार करते हैं, पर जो मोदी के भक्त हैं वो हमसे नफरत करते हैं. इट इज़ हिज चाइल्डिश नेचर, इट इज़ हिज इट्स अ वेरी प्योर माइंड दैट मेक्स हिम रियली रियली स्पेशल. क्योंकि बहुतों के बर्थडेज होते हैं, बहुत पार्टीज़ होती है बॉम्बे में, शायद बहुत ही कम जगह पे हम लोग दिखते हैं अपार्ट फ्रॉम लाइक सम फ्यू अवार्ड फंक्शंस, और हम लोग ऑलमोस्ट कहीं पे नहीं जाते हैं. बट देन आज आई हूँ ओनली फॉर विकास, बिकॉज दिस इज़ वन पर्सन हुज बर्थडे आई जस्ट कैन नॉट मिस. झूठ पे कहा था पहले से कि 7 to 7 की शिफ्ट रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये दिन मैं ये जगह मैं मिस नहीं कर सकती, तो यहाँ पर हूँ. हाँ, गिफ्ट नहीं बताऊँगी मैं, वो विकास ही आपको बताएंगे कि उनके लिए क्या गिफ्ट है. विकास को गिफ्ट्स बहुत पसंद है और मुझे विकास बहुत पसंद है, तो गिफ्ट इज़ अ सरप्राइज. एंड चाहे आज का दिन हो या कोई भी दिन हो, हर एक दिन पर विकास के लिए मेरे दिल से सिर्फ दुआएं और बहुत सारा प्यार निकलता. तो विकास मेरे भाई जैसे, ही इज़ लाइक अ ब्रदर टू मी एंड ही इज़ लाइक फैमिली टू अस. सो उसका जन्मदिन मतलब हमारे किसी परिवार के सदस्य का जन्मदिन, इट्स क्वाइट लाइक दैट. एंड I'm really looking forward. It looks like, sounds like a rocking party. So I'm waiting to go inside now. Yeah. विकास के लिए गिफ्ट ये है कि मैं रात को इतनी लेट नाइट पार्टी कर रही हूँ, मैं पार्टी नहीं करती. तो सबसे पहला गिफ्ट तो ये है. दूसरा गिफ्ट ये कि मैं कभी भी ड्रेस कोड फॉलो नहीं करती, तो थीम में आना लाइक मेरे लिए होमवर्क है. दूसरा गिफ्ट ये है. तीसरा गिफ्ट ये बुक है द सीक्रेट, जो कि मेरा फेवरेट है. और चौथा गिफ्ट उसके साथ जाकर शॉपिंग करनी जो
इतनी खूबसूरत लड़कियां तुम्हें हैप्पी बर्थडे बोल रही हो, मैं भी बोल रहा हूँ। क्या चाहिए? I think most important होता है कि आप अपने friends के साथ हो, आप happy हो, and that's exactly what's happening here. We're with Vikas and we're all together, and that's all that matters at a party.